हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का टुडे टू केस वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, और ये जो खुशखबरी निकल कर सामने आई है ये दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के द्वारा आई है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 5/2/2021 को जारी हुआ है, और इस नोटिफिकेशन के अंदर कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सीधी भर्ती की घोषणा की गई है। दोस्तों, आज का ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, 5/2/2021 का ये नोटिफिकेशन है, और आज ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस विज्ञप्ति को जारी किया है, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है 842 इसमें रहने वाली है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए इसमें 40 पोस्ट रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 882 पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है। आगे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती के बारे में और इस नोटिफिकेशन के बारे में सरल भाषा में डिटेल से बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के एंड तक मेरे साथ में। सभी जानकारियां आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप आवेदन की प्रक्रिया। आपको पता है कि जब हम RSM SSB की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो SSO ID के थ्रू ईमित्र के माध्यम से हम आवेदन करते हैं। आगे दोस्तों, हम यहाँ बात करें तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो है परीक्षा शुल्क के बारे में बताया हुआ है। इसमें जो परीक्षा शुल्क है वो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदनकर्ताओं के लिए ₹450 शुल्क रखा गया है। इसके बाद में दोस्तों, नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जो आवेदन करता है उनके लिए ₹350 फीस रखी गई है। इसके बाद दोस्तों, समस्त विशेष योग्यजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ₹250 आवेदन शुल्क रखा गया है। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको भी फीस में छूट दी गई है। इसके बाद में दोस्तों, हम बात करें तो प्रवेश पत्र और एग्जाम तिथि के बारे में आपको बाद में सूचना दी जाएगी। अभी एग्जाम डेट को लेकर और प्रवेश पत्र को लेकर इसमें कोई सूचना मेंशन नहीं की गई है। अब यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं। पता नहीं RSM SSB का जो प्रिंटर है, स्कैनर है, वो पता नहीं कैसा है। ये जब भी नोटिफिकेशन निकालती है, नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा लाइट प्रिंट होता है, दिखने में भी प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर आसानी से बता दूंगा इसमें क्या क्या बातें हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, इसमें क्लियरली आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो 842 रहने वाली है, और इसमें दोस्तों सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और 12 जिले और शहरिया जो आदिम जाति है उनके लिए अलग अलग पोस्ट दी हुई है। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आप क्षितिज आरक्षण देख सकते हैं, जो कि भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए और विशेष योग्यजनों के लिए रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 16 पोस्ट क्षितिज आरक्षण के अंतर्गत रखी गई है। इसके बाद में आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल इसमें 40 पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों, आगे हम बात करें तो इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए छूट दी गई है, और छूट किनको है ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपके पास में अगर अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था टूर्नामेंट चैंपियन का नाम यहाँ बता रखा है, इनमें से अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, खेल या उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष योग्यजनों के लिए छूट दी हुई है, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है। वेतनमान की दोस्तों बात करें तो इसमें जो आपका वेतनमान यानी कि सैलरी है, ये पे मैट्रिक्स लेवल 5 इसमें निर्धारित किया गया है। काफ़ी अच्छी इसके अंदर सैलरी आपकी रहने वाली है। अब दोस्तों, फाइनली बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो आपके पास में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc कृषि के अंदर यानी BSc इन एग्रीकल्चर है या BSc इन कृषि उद्यान है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर एक और योग्यता बता रखी है, अगर आपने 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजनाओं के अधीन कृषि के साथ आपने उच्च माध्यमिक परीक्षा पास कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या तो आपके पास में BSc इन एग्रीकल्चर होना जरूरी है, या फिर आपके पास में 10+2 जो कि स्कीम के तहत होती है
किसी योजना के अधीन की हुई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। आप चाहे किसी भी स्टेट के हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले दे रखा है मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा के बाद में साक्षात्कार, दो चरणों के माध्यम से आपका चयन इसके अंदर होने वाला है। इसके बाद में दोस्तों अन्य योग्यताएं, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रीयता बता रखी है, भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। एज लिमिट की दोस्तों बात करें तो 1 जनवरी 2022 तक आपकी 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। तो 2022 तक जिनकी 18 वर्ष एज पूरी होती हो वो अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट आपको दे रखी है 40 वर्ष, तो 18 से 40 वर्ष इसमें एज रखी गई है। इसके बाद भी रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चों को छूट मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क के लिए बता रखा है कि आप 16/2/2021 से लेकर 17/3/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। मतलब 16 फरवरी 2021 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, 17 मार्च 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा का माह और दिनांक, इसकी सूचना आपको बाद में दी जाएगी। और नियुक्ति की योग्यताएं यहां पर आप देख सकते हैं, फिर अलग अलग इसमें पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। अब दोस्तों बात करें कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस के बारे में यहां पर आपको जानकारी दी गई है। सिलेबस के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, डिटेल सिलेबस का वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों परीक्षा की स्कीम या पाठ्यक्रम की हम बात करें तो यहां पर जो आपका प्रश्न पत्र आने वाला है इसमें टोटल 5 भाग होंगे। भाग फर्स्ट की हम बात करें तो सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 45 नंबर के होंगे। इसके बाद भाग दो में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति को शामिल किया गया, इसके 25 प्रश्न आएंगे जो कि 75 नंबर के होंगे। मतलब एक प्रश्न, यहाँ पर एक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का यानी 3 नंबर का होने वाला है। भाग तीन की बात करें तो सस्य विज्ञान इसके अंदर रहने वाला है, इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 नंबर का होगा। इसके बाद उद्यानिकी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के, और पशुपालन के 20 नंबर पूछे जाएंगे 60 नंबर के। इसमें ना तो आपका रीजनिंग है ना इसमें आपका मैथमेटिक्स रहने वाला है। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 300 नंबर का आपका पेपर होगा। मतलब पर पर्सन 3 नंबर का इसके अंदर रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो सभी पर्सन इसमें वैकल्पिक होंगे यानी कि MCQ टाइप होंगे, और जो नंबर है टोटल पेपर के वो 300 इसमें रहने वाले हैं। 100 प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दी गई है। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा 100 प्रश्न हल करने के लिए, 120 मिनट का। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है। डिटेल सिलेबस का वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। इस वैकेंसी को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।